राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने एक बार फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और साथ ही आरपीएससी की लंबित पड़ी भर्तियों को लेकर हल्ला बोला है। सरकार को विधानसभा चुनाव में किए वादे को याद दिलवाने के लिए बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले महापंचायत की गई। इसके बाद बेरोजगार अभ्यर्थी सीएमआर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री सचिव से मुलाकात कर विभिन्न पदों पर लंबित पड़ी भर्तियों को जल्द ही पूरा करने और साथ ही नियुक्ति देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर 1302 पदों पर निकली सूचना सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए भी और साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। देखो, आज प्रदेश भर की बेरोजगार पंचायत महापंचायत बुलाएगी, इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी की जो भर्तियाँ हैं, जैसे आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, हेड मास्टर है, एसआई भर्ती का परिणाम जारी है, अधीनस्थ बोर्ड की चाहे एलडीसी भर्ती हो, चाहे पशुधन सहायक भर्ती हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे स्टोनोग्राफर जिनकी परीक्षा तिथि तय होनी है, जिनका परिणाम जारी होना की नियुक्ति प्रक्रिया कुछ कोर्ट में लंबित है, जैसे कृषि प्रेक्षक है, पशुधन सहायक है, जिनको सरकार जल्द से जल्द करवाए, और हेल्पर टू जो विद्युत विभाग की है, उन तमाम भर्तियों को परिणाम जारी करने, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाने, इनकी मांग को लेकर आज हम इकट्ठे हैं। अभी मुख्यमंत्री सचिव साहब से हमारी मीटिंग होगी और सरकार से हमने मांग की है कि हम आपके साथ हैं। सही, लोकसभा में आपकी हार हुई है, लेकिन राजस्थान की युवा बेरोजगार आपके साथ है, और आप जो हमसे जो विधानसभा के दौरान आपने वादा किया था, हमने समर्थन दिया, उन वादों को याद दिलाया है, और महापंचायत के माध्यम से सरकार के सामने ये तमाम मांगे रखी है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों का निस्तारण किया जाए, इनको रोजगार दिया जाए, और जो कोर्ट से संबंधित जो मामले में एडवोकेट जनरल साहब से पेरी करा उनका जल्द से जल्द